दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने कमाल ही कर दिया। एक ही दिन में पूरी की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया, जिसमें सबसे अहम हिस्सा वॉशिंगटन सुंदर का था, जिन्होंने पूरे 7 विकेट लिए। इस कमाल के प्रदर्शन ने सभी को हैरान कर दिया है। वही अब बड़े बड़े दिग्गजों ने बयान दिए है, किसने क्या कहा है उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हो भारतीय टीम इस टेस्ट को जीत जाएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच पुणे के मैदान में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच के लिए कुलदीप यादव, सिराज और केएल राहुल को बाहर किया और वॉशिंगटन सुंदर, आकाशदीप और शुभमन गिल को टीम में शामिल किया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले विकेट के लिए भारतीय टीम को ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ा, क्योंकि अश्विन ने अपने पहले ही स्पेल में टॉम लेथम को चलता कर भारत को पहली सफलता दिलाई। सिर्फ 32 के स्कोर पर न्यूजीलैंड ने अपना पहला विकेट गवा दिया था। इसके बाद डेवन कॉनवे और विल यंग के बीच लगभग 40 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी थी, लेकिन एक बार फिर अश्विन ने कमाल किया, जहां उन्होंने विल यंग को भी 18 के स्कोर पर चलता कर दिया। हालांकि इस विकेट में जितना अश्विन का हाथ है उतना ही विराट और सरफराज का भी हाथ था, क्योंकि उन दोनों के कहने पर रोहित ने DRS लिया और भारत को विकेट मिली। इसके बाद रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे के बीच पार्टनरशिप बनती दिख रही थी, लेकिन फिर इस साझेदारी को एक बार फिर अश्विन ने तोड़ दिया, जहां उन्होंने कॉनवे को 76 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। लेकिन इसके बाद रचिन रविंद्र ने मिचेल के साथ मिलकर भारत को काफी परेशान किया, जहां वो मैच को भारत के पक्ष से दूर ले जा रहे थे। दोनों के बीच 60 रनों की साझेदारी बन चुकी थी। भारत को इस समय एक विकेट की जरूरत थी और इस जरूरत को वॉशिंगटन सुंदर ने पूरा किया, जहां सुंदर ने सेठ बल्लेबाज रचिन रविंद्र को 65 के स्कोर पर आउट कर दिया। 200 रनों के अंदर न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। यही नहीं, इसके बाद सुंदर ने टॉम ब्लंडल को भी सिर्फ 3 के स्कोर पर चलता कर दिया था। मिचेल का भी शिकार सुंदर ने ही किया। वॉशिंगटन सुंदर आज अलग ही फॉर्म में थे। सुंदर ने इसके बाद ग्लेन फिलिप्स, टिम साउथी, एजाज पटेल और सेंतनेर को चलता कर पूरे 7 विकेट अपने नाम किए। सुंदर के इस कारनामे की वजह से पूरी न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 259 पर ऑल आउट हो गए और ये सुंदर का अपने करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। वही भारतीय टीम, खासकर भारतीय गेंदबाजों की इस खतरनाक प्रदर्शन के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने बयान दिया है। किसने क्या कहा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले शोएब अख्तर ने बात करते हुए कहा कि आज जो भारतीय गेंदबाजों ने, खासकर स्पिनर्स ने कमाल किया है, इसकी उम्मीद मैंने पहले ही की थी। जब खबरें आई थी कि भारतीय टीम पुणे के टेस्ट मैच में स्पिन फ्रेंडली पिच बनाने वाले हैं, अगर आप भारत में टेस्ट मैच खेल रहे हो और स्पिन फ्रेंडली पिच है, उस पिच पर आप भारत को टक्कर दे ही नहीं सकते। और ये आज फिर उनके स्पिनर्स ने दिखा दिया। पूरे के पूरे 10 विकेट स्पिनर्स ने ही लिए। पहले शुरुआत में अश्विन ने कमाल किया, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने जो किया उसने सभी को हैरान ही कर दिया। 7 विकेट लेकर उन्होंने अपने करियर की सबसे बेहतरीन फिगर्स अपने नाम किया। अब देखना होगा भारत न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के सामने क्या करते हैं। वही दोस्तों, रिकी पोंटिंग ने बात करते हुए कहा कि सुंदर को इस मैच में शामिल करने के फैसले से पहले तो मैं खुश नहीं था, क्योंकि उन्होंने कुलदीप जैसे बेहतरीन स्पिनर को बाहर रखा, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने मुझे और बाकी सभी लोगों को, जिसने सुंदर पर सवाल उठाए, सभी को करारा जवाब दे दिया। अकेले ही सुंदर ने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम को धाराशाही कर दिया। अकेले ने ही उनकी कमर तोड़ दी। मैं सुंदर को इस प्रदर्शन के लिए बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही कप्तान रोहित को भी सलाम करता हूँ, जो उन्होंने सुंदर को खिलाने का बोल्ड डिसीजन लिया। वही दोस्तों, इंग्लैंड के माइकल वॉन ने बात करते हुए कहा कि ये भारतीय टीम जब टेस्ट सीरीज हारने वाली होती है तो ऐसे पिच बनाते हैं जिससे उन्हें मैच जीतने में आसानी हो। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद ये टीम भौंकला गई, इसीलिए उन्होंने इस तरह की पिच बनाई जहां ऑपोजिशन की पूरी टीम एक ही दिन में ऑल आउट हो गए। मेरी राय में पिच ऐसी होनी चाहिए जहां दोनों टीमों को मदद मिले। अब देखने से ऐसे लग रहा है कि ये टेस्ट 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। अब देखना होगा न्यूजीलैंड के स्पिनर्स किस तरह से गेंदबाजी करते हैं और कितने रनों के अंदर भारत को ऑल आउट करते हैं। उम्मीद है न्यूजीलैंड की टीम भी भारतीय टीम को सस्ते में ऑल आउट करेगी। वही कुमार संगकारा ने बात करते हुए कहा कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को मैं सलाम करता हूं, जो उन्होंने टीम में बदलाव किए और ऐसे बदलाव किए कि अकेले खिलाड़ी ने ही पूरी की।
पूरी न्यूजीलैंड की टीम की कमर ही तोड़ दी। इसीलिए ये टीम इतनी सक्सेसफुल है क्योंकि ये सही वक्त पर सही खिलाड़ी को टीम में खिलाते हैं। आज सुंदर के टीम में शामिल होने के बाद सभी ने कप्तान रोहित पर सवाल उठाए, लेकिन शायद अब सभी को पता चल गया कि क्यों रोहित ने ये फैसला लिया था। रोहित इसीलिए एक बेहतरीन कप्तान है। वही मैं वॉशिंगटन सुंदर के इस कमाल के प्रदर्शन के लिए बधाई देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप इन दिग्गजों के बयान पर क्या कहना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताएं। वही इस मैच की हर अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। DRS को लेकर हुआ बड़ा ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज पहला दिन खेला जा रहा है, और आज के खेल में हमें एक मजेदार वाक्य देखने को मिला जब सरफराज खान और विराट कोहली ने रोहित शर्मा को जबरदस्ती DRS लेने के लिए कहा। उसके बाद जो हुआ उसे देख सब हैरान रह गए। बात है 24वें ओवर की। अश्विन ने ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जो डाउन द लेग गई, जिसे विल यंग ने खेलने की कोशिश की लेकिन मिस कर बैठे। ऋषभ पंत ने बॉल को कलेक्ट किया तो पास ही में खड़े सरफराज खान ने कैच आउट की जोरदार अपील की। हालांकि ऋषभ पंत और अश्विन ने कोई अपील नहीं की, लेकिन सरफराज पूरी तरह से श्योर थे कि ये आउट है। उन्होंने रोहित को तुरंत DRS लेने के लिए कहा। वही विराट कोहली भी रोहित को DRS लेने के लिए कह रहे थे। हालांकि इन दोनों के अलावा किसी भी खिलाड़ी को ये आउट नहीं लग रहा था। ऋषभ पंत भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन सरफराज तो रोहित के पीछे ही पड़ गए। वही उन्हें विराट का भी साथ मिला। आखिर में सरफराज और कोहली ने रोहित को DRS के लिए मना लिया और रोहित ने DRS लेने का इशारा कर दिया। इसके बाद जब रिप्ले देखा गया तो पता चला सरफराज और कोहली सही थे। दरअसल गेंद विल यंग के ग्लव्स को छूकर पंत के हाथों में गई थी, इसलिए इसे आउट करार दिया गया, जिसके बाद सभी का रिएक्शन देखने लायक था। सरफराज और कोहली के वजह से टीम इंडिया को ये अहम विकेट मिली। वही इसके बाद अगले ओवर में जडेजा की पहली गेंद पर कॉनवे के खिलाफ LBW की जोरदार अपील हुई। इस बार सरफराज तो इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन पंत रोहित को बार बार DRS लेने के लिए मना रहे थे, जिसके बाद कोहली आते हैं और रोहित को DRS लेने के लिए साफ मना करते हैं, लेकिन रोहित कोहली की नहीं सुनते हैं और पंत की बात मानकर DRS ले लेते हैं। लेकिन ये नॉट आउट रहा क्योंकि गेंद लेग स्टंप को पूरी तरह से मिस कर रही थी। ये DRS बेहद ही खराब रहा। अगर यहाँ रोहित कोहली की बात मान लेते तो एक DRS बच जाता। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। वही इसकी पूरी वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।